भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में दो व्यापारियों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दोनों व्यापारियों ने हिंदुओं के आस्था के मुख्य केंद्रों में से एक गोवर्धन पर्वत से गिरिराज शिला को एक ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल के जरिए बेचने का प्रयास किया, जिसके बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। गोवर्धन पर्वत की पवित्र शिला बेचने से संबंधित विज्ञापन के मामले ने तूल पकड़ा तो पुलिस भी एक्शन में आ गई और गिरिराज शिला बेचने की कोशिश के मामले में दो दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दोनों दुकानदारों के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला मथुरा जिले के गोवर्धन थाने में दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच में साइबर सेल भी जुट गई है। इस मामले पर पुलिस उपाधीक्षक गौरव त्रिपाठी ने कहा कि दोनों दुकानदारों के खिलाफ IPC की धारा 295 और IT एक्ट की धारा 66D के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना गोवर्धन पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के विक्रेता धवल सचदेवा स्टोर फ्रंट एवं वृंदावन बाजार .com द्वारा श्री गिरिराज धरण जी की शिला को ऑनलाइन विक्रय किया जा रहा है। इस शिकायत पर थाना गोवर्धन पर IPC की धारा 295 व 66D IT के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा एवं साइबर सेल मथुरा की टीम द्वारा संयुक्त जांच की जा रही है। जांच करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। जिन दो दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनमें धवल सचदेव स्टोर और वृंदावन स्टोर के मालिक शामिल हैं। आरोप है कि इन दोनों स्टोर्स की ओर से ई कॉमर्स पोर्टल Amazon पर विज्ञापन दिया गया था। इस विज्ञापन में गिरिराज पर्वत की शिला का एक टुकड़ा 4,000 रुपए की कीमत में बेचने का ऑफर दिया गया था। शिला का रंग नीला है। जब लोगों ने इस विज्ञापन को Amazon पर देखा तो वो भड़क गए। लोगों ने संत महंतों से ऐसे कार्यों पर तत्काल रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की थी। आज हम थाना प्रभारी महोदय से हमने क्वेरीज दी है, उसमें बताया है कि दो विक्रेता ऑनलाइन शिला को बेच रहे हैं जो कि बहुत ही गलत है। इससे पूर्व भी एक साल पूर्व भी एक जो सेलर था उसने शिला को बेचने का प्रयास किया था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको बेंगलोर से उसको गिरफ्तार किया था। अब हमारा पुनः पुलिस से अनुरोध है कि इस बार भी और जो दो नए सेलर हैं जो कि उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शिलाओं को बेच रहे हैं, उनका फिर तुरंत कार्रवाई हो और उनको जेल की सलाखों पर पीछे भेजा जाए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी दूसरा कोई भी सेलर शिला को ना बेच पाए, हमारी भावनाओं को आहत ना कर पाए। हमारे देश में किसी को भी अपना सामान बेचने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन कम से कम दुकानदार या व्यापारी को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उनके किसी भी वस्तु या उत्पाद से किसी की भी धार्मिक भावना आहत ना हो। ये चीज सुनिश्चित करना विक्रेता का कर्तव्य है।